नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। आप सभी लोगों को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में कैसी लड़ाइयां चल रही है और उसकी वजह से पूरी मार्केट, ग्लोबल मार्केट पूरी डाउन है और अपना स्टॉक मार्केट भी डाउन है। तो उस हिसाब से आपको एक बहुत ही अच्छा मौका है स्टॉक मार्केट में निवेश करने का। तो देखिए, सबसे पहले जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें आपकी नज़र ज़रूर बनी रहनी चाहिए। देखिए, पहले नंबर पे जो बैंक है उस बैंक का नाम है HDFC बैंक। दूसरे नंबर पे जो बैंक है उस बैंक का नाम है ICICI बैंक। और तीसरे नंबर का जो बैंक है उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। और चौथे नंबर पे आता है कोटक महिंद्रा बैंक। ये चारों बैंकों में आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगर हम इस स्टॉक की एक RSI की बात करें तो किस प्रकार RSI आपको मिल रही है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लगभग 43 के आसपास RSI दिख रही है, जो कि वन डे का ये मैंने चार्ट लगाया है। और अगर यहीं पे मैं बात करूँ वीकली, तो वीकली आप देख सकते हैं कि आज कई दिनों से मार्केट एक ही बॉक्स में मतलब ट्रेड हो रहा है। तो लगभग उसी के आसपास ये स्टॉक ये घूम रहा है। तो एक निचले लेवल पर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है मैं आपको बताऊँ, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कम समय में इन्वेस्टमेंट करके आपको प्रॉफिट बनाना होता है, ठीक है ना। जो कि आप यहाँ मार्केट की गिरावट पर लिए और यहाँ पर एग्जिट हो गए, ठीक है, फिर आप वेट करेंगे, यहाँ पर फिर गिरावट हुई, फिर आपने यहाँ पर बाइंग किया और फिर इधर आप निकल जाएंगे, जो कि प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो आप स्विंग ट्रेडिंग का भी अभी मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको ये भी एक बहुत अच्छे लेवल पर मिल रहा है। और अगर हम बात करें दूसरा जो बैंक है ICICI बैंक, ठीक है ना, ICICI की अगर हम बात कर लें तो सेम वही आपको देखने को मिल रहा है कि ये एक उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है कि जहाँ पर ये मार्केट पूरा करेक्शन हुआ है और अपने बॉटम लाइन के ही आसपास ये घूम रहा है। और इसमें भी आप स्विंग ट्रेडिंग करके एक अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर ये 840 के अगर आसपास ये जाने की कोशिश करेगा तो आप फिर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, या 800 रुपये के आसपास जाने की कोशिश करेगा तो आप प्रॉफिट अगर बुक करके निकलेंगे तो लगभग आपको 60 रुपये से सॉरी लगभग आपको 70 रुपये से 100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बनेगा। तो आपका यहाँ भी एक अच्छा है मोटिव कि आप यहाँ पर एक स्विंग ट्रेडिंग करके एक बहुत ही अच्छे से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लंबे समय के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो तीसरा बैंक है एक्सिस बैंक, सेम वही सिचुएशन इस स्टॉक में, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा एक ऊपरी लेवल पर इसने सपोर्ट लिया है तो आप इसमें थोड़ा सा वेट करिए। अगर यहाँ पर आता है लगभग 675 के आसपास या 650 के आसपास तब इस स्टॉक में आप बाइंग कर सकते हैं, तब तक आप इस स्टॉक के लिए आप वेट करिए। देखिए, जो चौथे नंबर पे स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए अगर इस बैंक की बात करें तो सेम जो सपोर्ट का लेवल है वो 1700 के ही आसपास है। और लगभग यहाँ पर अगर आप बाइंग करते हैं तो भी आपको एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग आप प्रॉफिट बना सकते हैं। आप देखिए कैसे स्विंग ट्रेडिंग इस स्टॉक में हुआ है। तो एक अच्छा मौका है आपके पास, अगर आप वॉच करेंगे ये चारों स्टॉक को तो एक बहुत ही एक स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। या तो अगर आपको लंबे टाइम होराइजन के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो गिरती हुई मार्केट में आप धीरे 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 करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, आपको पहले एक अच्छे लेवल पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा और फिर एक बड़े लेवल पर बेचना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया है। अब ये पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी, आशा है कि आप प्रॉफिट बहुत ही अच्छा बनाएंगे। ओके,
थैंक यू फ्रेंड।